Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. So today we will gonna talk about Syntex Plastics Technology Limited. आपको इस शेयर के बारे में बताऊंगी कि फंडामेंटल्स कैसे हैं और आपको क्यों इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, करंट पॉइंट 3.65 है एंड आज -3.95% का नेगेटिव रिटर्न दिया है. 52 वीक लो है 3.65 एंड हाई है 15 रुपीज़ के आसपास. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है. तो कंपनी का मार्केट कैप है 232 करोड़, बट फ्रेंड्स कंपनी के ऊपर डेप्ट है 2500 करोड़ का. तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है. आरओसी नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव है. तो जिन पैनी स्टॉक में आरओसी आरओई नेगेटिव होता है और डेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ऐसे शेयर्स को डेफिनेटली इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. फ्रेंड्स, जब सिंटेक्स इंडस्ट्री सस्पेंड हुआ था, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि इस शेयर से भी थोड़ा बच के रहिए, बिकॉज फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं. आज 15 लाख का वॉल्यूम भी देखा गया है, बट फ्रेंड्स हमारे पास बहुत ही अच्छे पैनी स्टॉक्स हैं जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, जिनकी आर ओ सी आर ओ ई डेप्ट काफ़ी अच्छे हैं. सो फंडामेंटल ज़रूर चेक कीजिए किसी भी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले. 57% लोग अभी भी बोल रहे हैं बाय करना चाहिए एंड 43% लोग कह रहे हैं सेल करना चाहिए. बट फ्रेंड्स, अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लग रहे तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए. और जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रखी है बट अभी प्रॉफिट में है तो वो भी निकल जाइए और किसी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए. बिकॉज जानेंगे आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है या नहीं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट 7th ऑफ जुलाई को आई थी, क्वार्टरली डिस्क्लोजर बाय लिस्टेड एंटिटीज ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो फ्रेंड, ये वही है कि कितनी आउटस्टैंडिंग, कितनी बोरोइंग है कंपनी पे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेप्ट बहुत ज़्यादा है, 2500 करोड़. रिजर्व्स भी इनके पास नेगेटिव में पड़ा है. तो ऑल थिंग्स नेगेटिव है. अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करें तो आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग 12.22% की है, कुछ ज़्यादा नहीं है. FII DII भी बहुत कम है, बाकी सारी पब्लिक की होल्डिंग है. तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को और ज़्यादा सेल करें इस शेयर से. तो अभी आपको एक नेगेटिव ट्रेंड में दिख सकता है और बीच में अगर थोड़ा पॉजिटिव गया भी तो फ्रेंड्स अभी तब भी आपको ऐसे शेयर में रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक पैनी स्टॉक है. और जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अगर प्रॉफिट में है तो प्लीज़ निकल जाइए इस शेयर से, बिकॉज फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. तो आपको टारगेट्स अगर जाननी है तो टारगेट्स में आपको ये बताना चाहूंगी कि कल क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स, कल ये जा सकता है 3.55 तक, तो वो टारगेट आप लेके चलिए. डाउन ट्रेंड टारगेट ही इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्रेंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड. नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगा कंपनी से रिलेटेड तो डेफिनेटली